विजन इंडिया के माध्यम से जिले के युवाओं में महापुरुषों के आदर्श उतारने के साथ ही पीड़ित मानव की मदद की जा रही है और लगातार यह संस्था इस दिशा में काम कर रही है। यह बात राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर के उद्घाटन समारोह के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि इस संस्था के माध्यम से साल में दो बार 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर को रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और ये कई सालों से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था द्वारा मानव सेवा के अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे देश के महापुरुषों के दिखाए पथ पर चले और अपना अपने गांव का और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जाट ने कहा कि आज इस रक्तदान शिविर में एक नवाचार भी किया गया। रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक ब्लैंकेट और टी शर्ट भी संस्था द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस रक्तदान शिविर में जिले के दूरस्थ गाँव से भी लोग रक्तदान करने पहुंचे और इनमें कई ऐसे हैं जो बेटे बेटी और पत्नी के साथ भी जोड़े से रक्तदान करने आए हैं। इससे पूर्व सुबह विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारंभ राजस्व मंत्री रामलाल जाट, महंत बाबूगिरी महाराज, बनवारी शरण, मोहन शरण महाराज, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व सभापति ओम नारायण निवाल, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू आदि ने किया। इस मौके पर उद्योगपति दुर्गेश बांगड़, पूर्व चेयरमैन रतनलाल जाट, दुर्गेश शर्मा, शिव कुमार कौशिक के साथ ही कई अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर सब जिले में समस्त स्तरों पर, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, गांधी जयंती के कार्यक्रम करवाए गए हैं, जिसमें बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और महात्मा गांधी जी के जो जीवन दर्शन है उसके माध्यम से एक अहिंसा और सिद्धांतवादी जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। मैं समस्त भीलवाड़ा वासियों से, खास करके युवाओं से अपील करूँगा कि आप महात्मा गांधी जी के जीवन को पढ़ें, लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन को पढ़ें और उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो आदर्श हैं, आप अपने जीवन में उतारें ताकि आप अग्रेतर उन्नति कर सकें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री जी थे हमारे, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, दोनों की इस मौके के ऊपर, जयंती के मौके के ऊपर जो भिलवाड़ा में ब्लड कैंप जो मैं हर साल हमारी विजन इंडिया सोसाइटी के द्वारा लगाया जाता है, कई बरस हो गए, साल हो गए, इस ब्लड कैंप को हम 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी शास्त्री जी की जयंती पर हम लगाते हैं। कि जिले के नौजवान, युवा और ख़ासतौर से ग्रामीण एरिया से आने वाले लोगों में जो जागृति पैदा हुई इस ब्लड देने से, आज हमने 8 टीमें, 2 उदयपुर, 2 जयपुर और हमारी 4 यहाँ की टीमें, भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल, रामसनी, अरियंत, हमारी जो हॉस्पिटल की टीमें हैं उनको हमने बुलाया। अब देखो किस तरह युवा उमड़ कर आते हैं, किस तरह उस महापुरुषों के जो अच्छे कार्य थे, अच्छे कर्म थे, जिसकी बदौलत आज देश ने, दुनिया मानती है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए आज प्रार्थना सभा दी और वो तमाम चीज़ें गांधी जी जयंती के ऊपर की जाती, ताकि युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को इनके कामकाज, इनके क्रियाकलाप समझें और अपने जीवन में उतारें। इससे देश में अमन चैन, शांति, भावना, क्रोध, झूठ, हिंसा, इन सब चीज़ों का छुटकारा होगा। यही सीख हमारे को महात्मा गांधी की जयंती पर मिलती और इसी सीख को हम आने वाली नौजवान युवा पीढ़ी में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विजन इंडिया सोसाइटी के माध्यम से इस काम को हमने विकलांग बच्चों के लिए भी, विकलांग आदमियों के लिए भी, पहले हमने डीआर मेहता के माध्यम से जयपुर फूट लगवाए, यहाँ पर 6 दिन का कैंप रखा। इस विजन इंडिया सोसाइटी के माध्यम से हमने कई ऐसे बच्चे विकलांग को, जिन्हें भामाशाह, भीलवाड़ा के भामाशाहों के माध्यम से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सौर ऊर्जा से चलित मोटरसाइकिलें दी है, जिससे उनका रोजगार, बच्चे पढ़ने वाले को आज सुविधा मिल रही है। ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। इसके पीछे यहाँ भीलवाड़ा जिले के युवाओं का हाथ है और ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, इन जयंतियों पर हम ऐसे शुभ कार्य कर रहे हैं। तो समझता हूँ युवा पीढ़ी इसको समझेगी और दिन अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारेगी तो देश मजबूत होगा। ये टारगेट आप देख रहे हो, हमने 1 मिनट से शुरू किया, आज 2000 तक पहुँचे। आज विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा, जिससे संरक्षक महोदय हमारे राजस्व मंत्री श्री रामलाल जी जाट है, उनके सानिध्य में साल में 2 बार महापुरुषों की जयंतियाँ, तो अंबेडकर साहब 14 अप्रैल को और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम यह ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। आज 2 अक्टूबर के इस मौके पर दोनों महापुरुषों की जयंतियों पर जो रक्तदान शिविर हो रहा है,
उसमें हमारे 8 टीमें भाग ले रही और लगभग इसमें जो है जिस तरह का उत्साह है और हमारी जो समिति है सोसाइटी के माध्यम जो सचिव शंकरलाल जी गाडरी पहाड़िया जी मनोज जी जाट साहब और पूरी टीम जो लगी हुई है और लगभग हम 2000 यूनिट आज ये करेंगे मानवता की सेवा के लिए जो है रक्तदान महादान का एक मुहिम जो रामलाल जी जाट साहब के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से चालू की है तो आज अनवरत रूप से जारी है और भी सोसाइटी द्वारा जो है सामाजिक सरोकार के लिए काम हम करते हैं। मैं जितने भी हमारे रक्तदाता इसमें ब्लड दे रहे हैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जितने टीमें आई है उनका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।